आधा आधा। एक बार एक गांव में एक पिता की मृत्यु हो गई। उसके दो बेटे थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा था और श्यामू छोटा। हाँ भाई श्यामू, बंटवारा तो देखो सब हो ही चुका है, मात्र दो वस्तुएं ऐसी और हैं जिनका बंटवारा होना बाकी है। एक है कंबल और दूसरी अपनी भैंस। ठीक है भाई। क्योंकि भैंस का बढ़िया वाला अगला हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए रात को कंबल मेरे पास रहा करेगा और दिन भर के लिए तुम उसका प्रयोग करोगे। तुम्हें पता ही है मैं लेन देन में सदा से ही ईमानदार हूँ, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, आप ठीक कहते हो। अगले दिन सुबह भैंस की आवाज सुनाई दी। श्यामू, हो श्यामू? हाँ भाई। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भैंस भूखी है, उसे चारा डाल दो। क्या यह मेरा जिम्मा है? और नहीं तो क्या, भूल गए? अगला भाग तुम्हारा है। ओह हाँ। श्यामू भैंस को चारा डालने लगा और फिर तभी बड़ा भाई रामू आया और भैंस का दूध दोहने लगा। तो क्या मुझे थोड़ा दूध मिलेगा? नहीं, ये पिछला भाग मेरा है, समझे? लेकिन चारा तो मैंने, इसलिए मुझे भी दूध मिलना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। रात के वक्त बड़े भाई रामू ने कंबल ले लिया और बेचारा श्यामू सारी रात सर्दी में ठिठुरता रहा। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। फिर श्यामू गांव के एक बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे अपनी समस्या बताई। हैं, ये तो बहुत नाजायज बात है। तो बताइए मैं क्या करूं? एक तरकीब है मेरे पास, अपना कान मेरी ओर करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगले दिन सुबह जब रामू दूध दोहने लगा, श्यामू आया और उसने भैंस के सर पर डंडा दे मारा। भैंस ने रामू को जोर की लात मारी, सारा दूध भी बिखर गया। आह, ओए, अबे ओ मूर्ख, ये क्या किया? कुछ नहीं भाई, मैं तो भैंस के अपने वाले भाग के साथ खेल रहा था। अगर आपके वाले पिछले भाग ने आपको चोट पहुंचाई हो तो उसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है? है? जब रात हो आई, भाई यह रहा आपका कंबल, इसे मैं आपके बिस्तर पर रख रहा हूँ। ठीक है, रख दो। जब रामू ने देखा कंबल तो बिल्कुल गीला था। यह तुमने क्या किया? कंबल तो बिल्कुल भीगा हुआ है। मैंने शाम को इसे धो दिया था। हे भगवान! भाई श्यामू, ठीक तो यही रहेगा कि दोनों वस्तुएं हम बारी बारी से, यानी एक दिन मैं और एक दिन तुम, इस्तेमाल कर लिया करेंगे, ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, जैसा आप कहें।